प्रॉब्लम्स ऑन एजेस क्वेश्चन नंबर 15 द एज ऑफ अ मैन 10 ईयर्स एगो वॉज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन एंड 10 ईयर्स हेंस द मैंस एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन सो द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज में एक व्यक्ति की जो एज होती है वो 10 ईयर्स एगो अपने सन के 3 टाइम्स था और 10 साल बाद जो उस व्यक्ति की आयु जो है अपने सन के ट्वाइस हो रहा है तो हमें उनके प्रेजेंट एज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें 10 ईयर्स एगो मैन के और उसके सन के एज को हम लेट लेते हैं हिज सन। तो अगर हम सन का एज को एक्स लेंगे तो मैंस का एज क्या हो जाएगा 3x 3 टाइम्स ज़्यादा है ना और इनका प्रेजेंट एज क्या होगी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू ये होगा 10 साल पहले 3x एज था तो 10 साल बाद 3x प्लस 10 होगा और ये x प्लस 10 होगा। और नेक्स्ट जो केस है वो क्या है कि 10 ईयर्स हेंस 10 साल बाद प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे फिर 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20 और ये x प्लस 20। मैन का जो एज है वो सन के एज का ट्वाइस हो जाएगा। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40 इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 20 सो x इक्वल टू 20। अब इस x की वैल्यू हम प्रेजेंट एज में पुट कर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे 20 3 60 ये 70 हो जाएगा और ये 30 होगा सो देयरफॉर देयर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 70/30 सो 00 कैंसिल सो इज इक्वल टू 7:3 सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। So option D is the correct answer.